गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञा। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इन व्हिच आई डिस्कस अबाउट नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म मतलब होता है कि हम लोग सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं, और जो नॉट लगाते हैं वो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाते हैं। जैसे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल या शैल होती है, तो विल शैल के बाद में हम लोग नॉट यूज कर देंगे। बाकी सब कुछ जो होता है वो एडजेक्टिव सिंपल की तरह होगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव बीन, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में हम लोग टाइम रेफरेंस लगाएंगे। जैसे सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स, वो 3 साल के लिए काम नहीं कर चुकी होगी। आई शैल नॉट हैव बीन सिंगिंग फॉर नेक्स्ट मंडे, मैं अगले मंडे तक काम नहीं गाना नहीं गा चुकी होंगी। तो ये जो बात हो रही है वो कंप्लीट होने की जो बात हो रही है वो फ्यूचर में कंप्लीट होने की बात हो रही है। जैसे कि ये हमें पता नहीं चल रहा है 3 ईयर से ये कब से स्टार्ट हुआ, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ या अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये जो काम कंप्लीट होगा वो 3 साल के लिए होगा, काम नहीं होगा। मीन्स इसमें अगर नॉट है तो नहीं होगा। और इसमें भी जैसे कि पता चल रहा है कि ये मंडे तक होगा, ये कब से काम स्टार्ट हुआ इस बात का नहीं पता चल रहा। और इसमें हम लोग नॉट के लिए फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग नॉट लगा दिए। थैंक यू।